Hey guys, मैं अविनाश अगर फिर से आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल अभी ब्लॉग में। गाइज आज है सावन का लास्ट सोमवार और सावन का लास्ट सोमवार हो और मैं आपको ब्लॉग ना दूँ ऐसा कहीं हो सकता है। तो आज इस चैनल का पहला जर्नी ब्लॉग होने वाला है जो कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दरभंगा से जैसीडीह, जिसको बाबाधाम भी बोलते हैं। हाँ यार, बाबा नगरिया दूर है पर जाना जरूर है। तो मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल करने वाला हूँ उस ट्रेन का नंबर है 15234 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस, जिसको हम मैथिली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रेन टोटल कवर करती है 540 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर। गाइस, मैं इंट्रो इसलिए रूम में बना रहा हूँ क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से मैं ट्रेन पे नहीं बना सकता हूँ। तो चलिए सीधा मिलते हैं ट्रेन के अंदर और ब्लॉग को शुरू करते हैं। दरभंगा प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं समस्तीपुर की ओर। पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ कैसे जा रहा होगा क्योंकि आज मेरा बाइक सही से काम कर नहीं रहा है। और जैसे ही ये ट्रेन समस्तीपुर पहुंचती है मैं आपको वहां का भी दिखाऊंगा। पहले फिलहाल रास्ते में बरसात के मौसम का मजा लीजिए। फिलहाल अब बारी है इस ट्रेन के टॉयलेट को देखने का। ये रहा बेसिक, क्या पानी आ रहा है, ओवरली पानी है। और ये है डस्टबिन, ये है इस ट्रेन का बाथरूम और ये है मिरर। मिरर बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये है टॉयलेट, रेस्टोरेंट टॉयलेट। और ये है यहाँ बेसिक। तो कुल मिला के ट्रेन का टॉयलेट तो सही गया। और ये रात मध्यपुर हम लोग गुजर चुके हैं। हाई बदन बदन भूजल। गाइस ये देखिए, ये नई पटरी यहाँ से मिलने वाली है, इसको डबल लाइन किया जाना है, इसी का तैयारी चल रहा है। गाइस फाइनली हम लोग समस्तीपुर पहुंच चुके हैं और अभी तक अपना ट्रेन जो था वो खाली था, लेकिन लगता है यहाँ पूरा भरने वाला है। ये देखते हैं कैसी जगह है। गाइस फाइनली हम लोग समस्तीपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है और 5 मिनट बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल करेंगे। ये स्टॉपेज की और देखिए बड़ौनी, चलिए फिर इस रास्ते का मजा लेते हैं। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to.
You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges. तो अब है इस ट्रेन के इंटरनल को दिखाने का. तो चलिए इस ट्रेन के अंदर देखते हैं क्या है. ये है सामने मिरर और यहाँ पे सेपरेट दोनों सीटों के लिए प्लग दिया गया है. और ये है लाइट, ये फैन, ठीक. फिर ये इसके अलग, ये इसका अलग. आप लैपटॉप या मोबाइल पे भी चार्ज कर सकते हो. और सेम उधर उधर भी वही है. और इसमें जो कुछ अलग है वो ये है. इसका आप सीट को देखिए, ये ब्लू नहीं है, कुछ अलग है. वो बोरिंग कलर से आपको कुछ अलग देखने को यहाँ मिलेगा. गाइज ये है बरौनी स्टेशन. और सबसे ज़्यादा देर का स्टॉपेज इस ट्रेन का है वो यही है बरौनी में. 20 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ. इतने देर का स्टॉपेज इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ डीजल इंजन चेंज होकर इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है, इस कारण यहाँ 20 मिनट का समय लिया गया. बाकी हर जगह इसका 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट. तो बरौनी स्टेशन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं. ये है बरौनी स्टेशन का नज़ारा. अगर आप ये क्लिप देख रहे हो तो प्लीज़ देखते ही बताना इस जगह का नाम है. ये कौन सा जगह कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. गाइस हम लोग हाथीदह जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ दो जंक्शन, एक नीचे है और एक ऊपर है. ये ऊपर वाला था वो जो देख रहे हैं वो नीचे वाला जंक्शन, दोनों एक ही है हाथीदह जंक्शन. गाइस हम लोग लखीसराय जंक्शन पहुंचे हैं. यहाँ स्टॉपेज तो है नहीं बट क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई. Find your way back home. तो गाइस फाइनली हम लोग झाझा पहुंच चुके हैं. और अभी तक हम लोग दरभंगा से झाझा तक 180 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है जैसीडीह. और मेरा भी नेक्स्ट स्टॉपेज जैसीडीह ही है, मैं वहीं उतरूंगा. पर मैं आपको जाते जाते इस ट्रेन का सारा रूट बता के जाऊंगा, ये कहां तक जाती है. तो फिलहाल अभी हम हैं झाझा और ये मेरे पीछे ट्रेन जिससे मैं आया हूं. और यहां इसका स्टॉपेज सिर्फ 5 मिनट का है, 5 मिनट के बाद ट्रेन निकल जाएगी यहां. ये देखिए गाइस, को जो भी चीज़ होता है वो स्टेशन पे अलाउ नहीं होता. और यहाँ पुलिस वाले सामने हैं, ये देखिए. और यहाँ खुलेआम बेचा जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है. ये है झाझा स्टेशन का हाल. तो गाइस हम लोग झाझा को फाइनली छोड़ रहे हैं.
अगर ये आज दिन होता ना तो आपको यहाँ के बाद से नेचुरल बढ़िया व्यू आता है, पहाड़ी एरिया है, बट मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी फिलहाल रात है। तो बस यही है, झाझा छोड़ रहा हूँ, अगला स्टॉपेज अपना जैसीडीह जंक्शन है, वहाँ उतरते हैं, तो तक आप बीच का मजा लीजिए। गाइस फाइनली हम जैसे भी पहुंच चुके हैं और ये आप देख रहे हैं कि कितना लगा हुआ है, ये इतना ही ट्रेन लगा हुआ है, इसका स्टॉपेज यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का है और फिलहाल हम लोग हैं झारखंड जैसे भी। इसके बाद इसका जो स्टॉपेज है वो है आसनसोल, उसके बाद दुर्गापुर, उसके बाद बर्धमान, उसके बाद दक्षिणेश्वर, उसके बाद लास्ट कोलकाता, जो कि 3:20 में टोटल जो दरभंगा से इसका टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो है 539 किलोमीटर। जैसे भी फिलहाल हूँ ब्रिज पे, चलिए चलते हैं आप स्टेशन से बाहर, जानते हैं ये सब क्या है, जैसे ही उतरोगे शुरू हो जाएंगे। तो गाइस फिलहाल हम लोग जैसीडीह से ऑटो लेके देवघर टावर चौक पे पहुंच गए हैं और यहां से हम लोग रिक्शा लेके जा रहे हैं अब मंदिर प्रांगण के पास। तो गाइस आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, फिर से मिलते हैं आप।